नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। इस गर्मी के मौसम में हमें कुछ लाइट खाना खाने का मन करता है, तो साउथ इंडियन खाना तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है इस मौसम के लिए। तो आप इडली, डोसा, वड़ा तो बनाते ही होंगे, तो मैं आज उसके साथ खाने के लिए चटनी बताने जा रही हूँ, वो है नारियल की चटनी। तो चलिए हम नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल चटनी बनाने के लिए मैंने ये एक कप नारियल का बुरादा लिया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो गोले का बुरादा यूज़ करिए। ये मैंने आधा कप दही लिया है। इमली को मैंने पानी में भिगो के और थोड़ी देर माइक्रोवेव में चला लिया था, तो जिससे कि उसका खट्टा पानी निकल आया है। तो दो चम्मच पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये दो हरी मिर्च इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। एक चम्मच मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। एक चम्मच भुने हुए चने डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसे पीसेंगे, और आधा चम्मच नमक। ये नारियल की चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है। अब इसके लिए मैं तड़का बनाती हूँ। तड़का बनाने के लिए एक तड़के वाला पैन मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें मैं करीब एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इस ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैं आधी चम्मच राई डाल रही हूँ। इस राई के चटकते ही इसमें हम एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये तड़का हम इस चटनी में डाल देते हैं। अब साउथ इंडियन कुजीन के साथ ये नारियल की चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।